चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे साल 1989 में आने वाली 10 और बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर बात करेंगे इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि साल 1989 में इन 10 टॉप फिल्मों में पहले नंबर पर कौन सी फिल्म थी, दसवें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हो बात करते सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था सच्चाई का बोलबाला। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे देवानंद, हेमा मालिनी, जैकी श्रॉफ इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1,92,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,65,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था तूफान। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मीनाक्षी, अनीता बच्चन, अंग्रेज पुरी इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 4,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 5,75,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था मैं तेरा दुश्मन। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे श्रीदेवी, जयप्रदा, जैकी श्रॉफ इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 3,05,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 18 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था जोशीले। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनिल कपूर, मीनाक्षी, श्रीदेवी, सन्नी देवल, अंग्रेज पुरी इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,85,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,80,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था मैं आजाद हूँ। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,25,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था आग का गोला। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सन्नी देओल,
डिंपल कवाड़िया, शक्ति कपूर इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,80,00,000 रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4,80,00,000 रुपये कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 8,00,00,000 रुपये की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था इलाका। ये मूवी साल 1989 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आई थी मिथुन चक्रवर्ती, अंग्रेजपुरी, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त इसमें अहम किरदार नजर आई थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,58,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,57,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 12,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था जादूगर। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनीता वचन के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 3,00,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,85,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था कानून अपना अपना। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे दिलीप कुमार, संजय दत्त इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,10,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6,80,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 13,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था आसमान से ऊंचा। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे फरानाज, गोविंदा इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,00,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 4,00,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7,00,00,000 रुपए से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था पत्थर के इंसान। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे विनोद खन्ना, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1,60,00,000 रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3,40,00,000 रुपये कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6,00,00,000 रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सेमी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1989 में, फिल्म का नाम था गैर कानूनी। ये मूवी साल 1989 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे रजनीकांत, श्रीदेवी, गोविंदा इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,38,00,000 रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस
सिंधिया पर लाइफ टाइम 5,90,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों ये रही साल 1989 में आने वाली 10 और बड़ी फिल्में। तो दोस्तों इन 10 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल